आनंद प्रसाद यहाँ ताल छापरे सेंचुरी और हमारा ताल छापरी गाँव है और ये ताल छापरे करीब 719 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और यहाँ सदियों पहले बहुत समय सदियों पहले उन्हें जो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह दरबार थे वो यहाँ ताल छापरे में आते थे और इन्होंने जो यहाँ ब्लैक बग वो बहुत कम संख्या में वो यहाँ लेके आए थे और अब आज इनका हम आकलन करते हैं तो करीब 3,500-4,000 के बीच में इनकी संख्या बहुत अच्छी फैल रही है और ये ब्लैक बग है चिंकार है इनकी बहुत अच्छी संख्या है और उन्होंने देखो इसके साथ साथ ये भी किया एक लकड़ी का क्रेन बनाया उन्होंने लकड़ी का क्रेन बना और उनका क्रेन का लुक देखिए और फिर उनको पार्क में यहाँ रख दिया और फिर उनको डेमोजिल क्रेन जब ऊपर से जा रहे थे तो उसको देखे वो नीचे आ गया उसके बाद में डेमोजिल क्रेन और कॉमन क्रेन बराबर लगातार आ रहा है ग्रासलैंड में हर साल आ रहा है और बाकी ये बार्डेड गीज है वो भी आ रहे हैं और बहुत भी पक्षी आ रहे हैं रेडनी फुलग्रोव आ रहा है बाकी ये बहुत मतलब बर्ड्स है यहाँ पे अच्छा सेंचुरी है बहुत अच्छा लुक है अच्छा फैला हुआ है। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये रामशंकर गौशाला है और बहुत बड़ा ये एरिया है पूरे फैला हुआ दूर दूर तक फैला हुआ है उसमें पूरे में खेजड़ी है और ये ज़मीन रामशंकर जी की थी और उन्होंने गायों के लिए दान में कर दी। अब इसमें क्या है जो अपना स्पाइनी टेल लिजर्ड उनकी संख्या यहाँ पे हजारों में है उनकी संख्या हजारों में है और इससे लिजर्ड की वजह से यहाँ रेप्टर बहुत मतलब उनका वो शिकार खाना खाने के लिए उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा है उनकी संख्या बहुत यहाँ रेप्टर अलग अलग वेराइटी में आते हैं और कुछ भी रेप्टर ऐसे वो यहाँ रेजिडेंट हो गए जैसे लगर फाल्कन है रेडनी फाल्कन है ये अपना टोनीगल है इनकी संख्या बहुत ही अच्छी है और अलग अलग वेराइटी के अलग अलग मौसम से रेप्टर आते जाते रहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है। और जो ये खेजड़ी के पेड़ है मैं जो आप बैठा हूँ इस पे जो स्पॉटेड क्रीपर है वो नीचे से ऐसे ऊपर जाता रहता है और आता रहता है बहुत रेयर है तो इनकी संख्या अच्छी है तो आप आइए यहाँ ब्रीडिंग करिए हम आपको घुमाएंगे दिखाएंगे बहुत अच्छा बहुत शानदार आलीशान जगह है ये। और ये मेरा गेस्ट हाउस है रेप्टर पैराडाइज गेस्ट हाउस है और यहाँ आप आइए आपका वेलकम है इधर ही आपको ठहरन है और इधर ही आपका रूम और इधर ही आपको खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाय कॉफ़ी सब आपके हाजिर है यहाँ पे। और अपना वो नज़दीकी एयरपोर्ट यहाँ आने के लिए अपना वो जयपुर पड़ता है जयपुर यहाँ से 240 किलोमीटर है करीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ से मैं गाड़ी भेज दूंगा आपको पिकअप भी करेंगे ड्रॉप भी करेंगे और उसके बाद में आप ट्रेन से आ रहे हो तो दिल्ली से अपना ट्रेन आता है हर रोज आता है तो वहाँ से हम पिकअप ड्रॉप करेंगे और इधर इस एरिया में हम ब्रीडिंग करेंगे रेप्टर का जैसे बहुत प्रकार के रेप्टर है छोटे बर्ड्स भी बहुत है और ये ब्लैक बग्स है और चिंकार है और डेजर्ट कैट और फॉक्स है इनकी अच्छी साइटिंग है तो हम अच्छी तरह से यहाँ ब्रीडिंग करेंगे आप आइए आपका स्वागत है।